सिलीगुड़ी में जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। आज दिन साढ़े दुईटा सुधा राज्य सबुठ उत्तप्त सहर पलटि संबलपुर तेज 44.2 डिग्री तापमात्रा सहित सिझिची संबलपुर। झारसुगुड़ा तापमात्रा 43.4 डिग्री रेकर्ड कर हीराकूद तापमात्रा रही 42.8 डिग्री। एथस राजधानी भुवनेश्वर पारद 41.4 डिग्री रही। सबुठ उत्तप्त सहर पलटि पश्चिम ओडिशार जो भाव में तापमात्रा किभली भाव में रही 44 डिग्री टपी जापम्रा। सबुठ उत्तप्त सहर हो संबलपुर तापरको झारसुगुड़ा रही। संबलपुर 44.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जलाउची ओडिशा। साढ़े दुईटा सुधा संबलपुर तापमात्रा 44 डिग्री टपी जा। खरा प्रबल खरा गुड़गुड़ी में ओडिशावासी त्राही त्राही डाकुंट। सूर्य उदय होगा मात्रे तापमात्रा बढ़ा आरंभ होता। आज सकाल आम देखी सकाल 8टा पर घर बाहर एकदम मुस्किल। तेज सकाल 8टू अपराह 2टा पर्यंत बाहर को जवा जमी असह हो पड़ा। जरूरी काम न लोक मैंने घर बाहर को बाहर आग्रह प्रकाश करण रास्ताघाट आदि खाली था। विशेषकर पश्चिम ओडिशार प्रबल ताति संपर्क अधिक सूचनापी निरुपमा अच्छा फोनलाइन निरुपमा। जलुची ओडिशा और ये प्रबल खरा गुड़गुड़ी में ओडिशावासी जो त्राही त्राही डाकुं सका 8टू अपराह 2टा जहाँ बाहर को बाहर एकदम मुस्किल। यार भितर संबलपुर सर्वाधिक तापमात्रा 44.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर वर्तमान अपडेट कौन केबे पर्यंत एभली स्थिति लागि रहिबो पानीपाग विभाग पक्षर अपडेट कौन आसुची? निश्चित भाव स्वागतिका जदि आम कह पूर्वर मध्य पूर्वानुमान करपम्रा जून 1 तारीख ठार वृद्धि पाव। आज जदि आम देखुचे सारा राज्य वर्तमान प्रबल खरा और गरम संतुली होउची एवं आज दिन 2टा सुधा जदि कह संबलपुर में सर्वाधिक तापमात्रा 44 डिग्री रेकर्ड होता बेले झारसुगुड़ा में 43 और भुवनेश्वर में आम जदि कहपम्रा 41 डिग्री रु अधिक 41 डिग्री पार कर सारी। तेज निश्चित पक्षे आकलन करें संध्या तापमात्रा आहुरी वृद्धि हो। आज जहां आकलन कर पश्चिम ओडिशार किसी जिला 45 डिग्री पर्यंत तापमात्रा छुईवा नहीं आकलन करे। आसंता दुई दिन में तापमात्रा आहुरी वृद्धि पावी जहां पापाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक वर्तमान सूचना देते। तेज आसंता दुई दिन में जदि तापमात्रा यही भाव में रुहे गोटे पटे पश्चिम और आभ्यंतरण ओडिशार प्रबल खरा गरम होगा सांगक उपकूल ओडिशा रे खरा गरम सांगक गुळुगुळी असह्य हो पड़ी। सेपटे आसंता 7 तारीख बेलू आरब सगर में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो जार प्रभाव में राज्य को उत्तर पश्चिम दिगर गरम और शुष्क पवन प्रवेश कर आकलन करणिपाग विशेषज्ञ। जदि उत्तर पश्चिम दिगर गरम और शुष्क पवन प्रवाहित हुए राज्य में तापमात्रा आहुरी वृद्धि पाव। 6-10 तारीख मध्य हिट वेव भली स्थिति उपजा नहीं आकलन करे क्यों जिले में हिट वेव भली स्थिति र जदिओ सारा ओडिशा रे तापमात्रा 40-43 डिग्री पर्यंत रहिबो किंतु जदि हीट वेव स्थिति उपजे झांजी पवन बा लू मध्ये बोइबार संभावना अधिक रहुची तेबे आभ्यंतरण पश्चिम ओडिशा रे केवल एभली स्थिति रहिबो ना आगको आमे कहिबा उत्तर उपकूल ओडिशा मध्ये प्रबल खरा गरम रु बर्तिबो नाही ता त परवर्ती समय मौसुमी आसेनि आगक पूरापूरी ओडिशा चलिबो गरम गुळुगुळी लोक माने जतले छटपट हेउचंती मौसुमी को चाहि रहिचंती मौसुमी मध्य विलंब हेबो एभली स्थिति अर्थात 11 तारिख रज पर्यंत जारी रहिबो कि निश्चित भाव में आम जदि कह जहां वर्तमान आकलन कहे आसंता 10 तारीख पर्यंत राज्य को मौसुमी आगमन कौन संभावना नहीं जदिओ चलित वर्ष मौसुमी आगमन में सामान्य विलंब हो बोली पूर्व आईएमडी सूचना देता मे जून 4 तारीख में प्रथम केरल आसपर जदि पापाग अनुकूल रहे तेरे ओडिशा को अग्रसर हो किंतु जो भी भाव में वर्तमान स्थिति रोचे आरब सगर में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो अंपटे बंगोपसगर सगर आउ एक सिस्टम सृष्टि होवार संभावना रोचे से 5 तारीख बेलू निश्चित प्रभाव जदि देखा यही दुईट सिस्टम दुईट घूर्णीबल लघुचाप क्षेत्र में परिणत होगा पर क्यों उपकूल मुहां होती हूँ बड़ कथा और यार प्रभाव ओडिशा उपते रोचे किभली रोचे ता स्पष्ट होगा पर ही कह कितु जहां वर्तमान आकलन कहती विभिन्न मडेल कहती जून 10 तारीख पर्यंत राज्य को मौसुमी आसवर संभावना नहीं। 10 तारीख पर पाग अनुकूल होगा पर जून 15 कि 16 तारीख मध्य मौसुमी प्रवेश करी पारे दक्षिण पश्चिम मौसुमी गरम संतुली हे कि राज्य में प्रबल खरा पश्चिम ओडिशा जलुची उपकूल ताति सहित असह गुड़गुड़ी में जनजीवन अस्तव्यस्त। निरुपमा खबर पर नजर रखी। समुद्र केजीएफ 2